वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अभी कौन कौन से यूनिवर्सिटी का CUET PG का मेरिट लिस्ट नहीं आया और PG के जितने भी कोर्सेज हैं उनका मेरिट लिस्ट नहीं आया है। और मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि ओपन काउंसलिंग का कहाँ कहाँ एडमिशन का मौका है। काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि उनका एडमिशन कहीं नहीं मिल पा रहा है और फर्स्ट लिस्ट में ही परेशान हो जा रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको लास्ट तक इंतज़ार करना है और नवंबर के सेकंड वीक तक आपको लगातार साइट पे बने रहना है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का आपका ओपन काउंसलिंग स्पोर्ट राउंड भी होगा, तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी का आपको मैं कुछ यूनिवर्सिटी का बताऊंगा जैसे आप ट्राई कर सकते हैं। और आप अपने से भी कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी का आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है उसमें भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उनमें भी सीटें वैकेंट रहने वाली है जैसा कि मैंने पिछले साल देखा हुआ था। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं बात कर लेता हूं कि अभी कौन कौन से यूनिवर्सिटी का PG का मेरिट लिस्ट नहीं आया है। UG का मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ PG का मेरिट लिस्ट नहीं आया है। तो मैं बात करूं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अभी PG का कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं आया है किसी भी सब्जेक्ट का। अगर JNU की बात करें तो JNU का PG का अभी तक एक भी मेरिट लिस्ट नहीं आया है। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी का भी आपका एक भी मेरिट लिस्ट नहीं आया है। तो इन तीन यूनिवर्सिटी का आपका एक भी मेरिट लिस्ट नहीं आया है। साथ ही साथ हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी आपका एक भी PG का मेरिट लिस्ट नहीं आया है कोई भी सब्जेक्ट का। तो इन चारों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अभी तक एक भी मेरिट लिस्ट नहीं आया है और इनका भी मेरिट लिस्ट जल्दी से जल्दी रिलीज होने की पूरी पूरी संभावना है। और यहाँ पर अगर कट ऑफ की बात करें, जो मैंने चारों यूनिवर्सिटी का बताया, अगर पुंडुचेरी को छोड़ दिया जाए तो सभी का कट ऑफ आपका काफ़ी फर्स्ट में काफ़ी हाई रहने वाला है। 240 250 मार्क्स से किसी का कम नहीं रहेगा जनरल कैटेगरी का। तो ये तो बात रही कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी का अभी मेरिट लिस्ट नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं ओपन काउंसलिंग में आपको कहाँ कहाँ मौका मिलेगा। तो अगर कुछ लैंग्वेज की कोर्सेज़ की बात करें, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, बंगाली, इन सब लैंग्वेजेस की बात करें तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में आपको सीटें अलग अलग राज्य के अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी की में आपको काफ़ी सारी सीटें वैकेंट रहेगी। जैसे कि अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की ही बात कर लूँ तो वहाँ पंजाबी और हिंदी की सीटें खाली हैं। कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जैसा कि मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया था, तो वहाँ पर भी हिंदी और पंजाबी की सीटें काफ़ी खाली हैं। काफ़ी सारी कोर्सेज जो कि हिंदी पत्रकारिता से जुड़ी हुई है वहाँ भी सीटें खाली हैं। कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि आपका महात्मा ज्योतिबा रुहेलखंड यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसका भी आप लोग साइट चेक करते रहेंगे। विक्रम यूनिवर्सिटी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इन सब का जो मैं बता रहा हूँ आप लोग लगातार साइट को चेक करते रहेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही जितने भी यूनिवर्सिटी का मैं नाम बता रहा हूँ इनका फर्स्ट काउंसलिंग जो है खत्म हो चुका है और लगभग एडमिशन प्रक्रियाएं भी अंतिम चरण में है। अब जब भी सीट वैकेंट रहेगी तो आप साइट को लगातार चेक करते रहेंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है या अप्लाई नहीं भी किया है तो भी आपको साइट चेक करते रहना है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है। और वहाँ पर आपको मुझे लगता है कि आपका एडमिशन का मौका रहेगा लास्ट तक अगर आप वेट करते हैं तो। अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग प्रोसेस आपका आज लास्ट डेट है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी का PG की काउंसलिंग का, और बाकी जो कोर्सेज हैं UG के ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल समाप्त हो चुका है। लेकिन अभी PG के बहुत सारे यूनिवर्सिटी में लास्ट डेट चल रहा है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी का आपका PG के लिए ओपन काउंसलिंग और स्पोर्ट राउंड भी होगा, खास करके बहुत सारे कोर्सेज के लिए, लैंग्वेज कोर्सेज के लिए। तो एडमिशन के मौके आपके पास रहेंगे और भी कोर्सेज में, जैसे MBA और MCA के लिए अगर बात करें तो उनमें भी आपको मौके मिलेंगे, खास करके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो आपको लगातार साइट को चेक करते रहना है और जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके साइट को आप चेक करते रहेंगे। मुझे लगता है कि आपकी सीटें वैकेंट रहेगी वहाँ पर और आपके लो मार्क्स हैं 90, 100, 120 इतने मार्क्स पे भी आपके एडमिशन होने के पूरे पूरे चांसेस बनेंगे। सो इस वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को होप नहीं खोना है और आप लोग इंतज़ार करते रहेंगे और आप लगातार साइट को चेक करते रहेंगे जिनका भी कम मार्क्स है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।